वेलकम टू माय चैनल। सालू मार मार दो। सो हेलो गाइस, राधे राधे। तो गाइस आज एकादशी है और एकादशी पे हम आए हैं श्याम बाबा के मंदिर और यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगा है, पूरा रास्ता बहुत तगड़ा जाम है। और इसे देखो, ये बन रहा है फुकरा इंसान। भाई फुकरा बना हुआ है फुकरा। तो गाइस मैं हर एकादशी पे श्याम बाबा के दर्शन करने जरूर आती हूँ। मैं खाटू श्याम नहीं जा पाती तो मैं यहाँ पे जरूर आती हूँ दर्शन करने के लिए। तो आप भी मेरे साथ चलिए, आपको भी दर्शन कराती हूँ श्याम बाबा के। बहुत भीड़ है रे, बहुत जाम है, बहुत जाम है। गाइस फाइनली जाम में लग के हम आ चुके हैं और एकादशी के दिन श्याम बाबा के दर्शन करने को मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात ही क्या है। तो चलो श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। देखो कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है श्याम बाबा का और बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं हर एकादशी पे यहाँ आती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आती जरूर हूँ। क्योंकि पहले तो मैं हर महीने खाटू श्याम जी जाती थी, अब मैं खाटू श्याम जी नहीं जा पाती तो अब मैं यहीं पर ही आ जाती हूँ। भगवान जी के यहाँ आओ, मन को शांति मिलती है। तो अब चलते हैं दूसरे मंदिर में क्योंकि हमने बिस्किट बांटे हैं और थोड़े से बिस्किट रह गए हैं। वेलकम टू माय चैनल। बेटा तूने डाल दिया ना इधर, ये तो डलेगा अब, ये तो डलेगा अब, ये तो डलेगा अब। हाँ बोलो, मैं तो किसी को लेके भी नहीं आज चाचू एक्सपोज हो गए। देखो वो हील पहनती ही नहीं, ये और पसंद कर चल, कोई बात नहीं। पसंद क्या करते हैं, पसंद क्या है, ये कोई बाल नहीं मेरे, क्या कदार में बड़ा करा हुआ है। तो गाइस ये मेरा देवर है और ये बहुत बुरे
और हमारी आज मेरा देवर आया मेरे को चाहिए थी शॉपिंग कराने के लिए, बिल्कुल चार टॉफी दिलाऊंगा, चार चॉकलेट दिलाऊंगा, एक लाख तक की शॉपिंग करवानी पक्की। ठीक है बताऊं, राम जी का मंदिर बनने वाला है, इनको फटाफट बढ़िया सी बढ़िया वाली साड़ी दिलाएंगे इनको अच्छी। राम मंदिर 22 तारीख को इनको सेलिब्रेशन करना है बहुत अच्छे वाला, तो इसलिए गाइस देखो आज आर वर्मा जी को आज इतनी शर्म आ रही है कि अपने एक आम ढक्के बैठे। ये शहर में मुंह में डाल के मुंह में दबा लेता हूं, ऑर्डर लगा देती हूं। तो मम्मी आज कॉफी की रेसिपी दी थी, एक हफ्ता हो गया कोई गाइस। हुआ क्या था कि हमारा भाई किसी के लिए बात कर रहा हुई मेरी बात सुना हो भैया, कुछ किसी का भी नाम ले मेरी वाली का नाम यहाँ पे फ्रेंडों की बात हो। मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मतलब है कि उत्तर डाल रहे हैं दोबारा बोलिए डायलॉग, दोबारा बोल डायलॉग मार सालू मार मार ये आदमी पिटने वाले काम करता है ये आदमी। अब सामने आ जाएगी देखो मियां बीबी की जूत बच गई। आज टिंकू वर्मा घर जाके कुटने वाला है, देख अपनी बीबी को देख कैसे पटा रहा है, देख लो फ्रेंडो देख लो जरा कैसे अपनी बीबी को पटाने में लगा हुआ है। अब देखो तुम्हारे सामने ऐसा शरीफ ज्यादा बनता है और पीछे से चप्पलों से पिटता है। ये जरूर डालूंगी आज। आज शालू ने टिंकू को छेदा चप्पलों से मारा, पहले तो हमारे भाई को मारा, अब मुझे पिटवा रही है। हाँ बेटा तुम्हारी हरकत ही ऐसी है जूते खाने वाली, तुम्हारी हरकत ही ऐसी है जूते खाने वाली। अब बोल बोल ब्लॉग ना फेसबुक पे भी डालना, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे सब पे लाइव करूंगी इस ब्लॉग को। बेटा टिंकू बेटा तू तो गया, तुझे तो अब जंगल में छुड़वाना पड़ेगा गैंडे वाले हॉल में, जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। अब बोल गाइस ध्यान से देख लो, इस आदमी को जूम करके दिखा रही हूँ। अगली बार ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, अगली बार ये आपको दिल्ली के जू में मिलेगा, चिड़ियाघर में मिलेगा चिड़ियाओं के साथ। हाँ चिड़ियाओं के साथ नहीं, कुत्ता हम कौन मर जाते। तेरे जैसे को ना बेटा वो यूं ही बजा के फेंक देगी, महाराज आएंगे इन्हें ध्यान से देख लो। सच्चाई शालू देख ले भाई देख ले, तेरे पति का तेरे पे फोकस नहीं है, अब तू देख ले ध्यान से इसका कहाँ का फोकस है। जब तो उस बेचारी के दांतों में दर्द हो रहा है, घर का खाना तो और कोई खाता है यार, बाहर होटल में जाते हो ऐसा मिस्टर वर्मा जी तुम्हारी ना एक आंख ऑलरेडी सूज रही है तो दूसरी साइड हाथ लगा लो। इसलिए तो आजकल रील वील ब्लॉग व्लॉग बनाने बंद कर रखे हैं, डरा डरा के देखो कैसे अपने पति को लग रखा है। हाँ पहले ही हाथ जोड़ लिया सच में भैया ना बहुत शांत कर दे भाई, मैं शांत करने के लिए ना मुझे इनसे ट्रिक सीखनी पड़ेगी। गाइस ध्यान से देखो इस आदमी को, जिसकी भी आईडी में ये आदमी है प्लीज आज ही अभी की जब भी ये व्लॉग देखो तभी इसको ब्लॉक कर दो, नहीं तो ये तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाएगा मुझे भी नहीं पता चलेगा। हम दोनों को बिठा दी चलो कोई बात नहीं, फिर से कितनी बनवाला है हमारे घर में पड़ती है। आकाश बेटा बॉक्सिंग वाला ग्लव्स लेकर आओ, पापा बहुत ज्यादा बोल रहे हैं ग्लव्स लाएंगे बॉक्सिंग वाला तगड़ा वाला, और वही घुसंड आएगा कहाँ पर आएगा मुंह पर।
ये सब कुछ सुनो, मैं सब ब्लॉग के लिए कर रहा हूँ और कुछ ना। Oh my God! ब्लॉग के लिए ट्रेंडिंग में जाना चाहिए वाला ब्लॉग। तू तेरे को ब्लॉग ना करे, खोल दे। ब्लॉग ना करे। हाँ। ये मेरी भाभी की बात है। मैं पता है पॉपुलर हो जाऊँगी। मैं बेलन लेके आती हूँ, जरा इनको कूट ले। ले आ तू। बेडरॉस में है, गैस के नीचे। भैया। गाइस देखो पिटने का कितना खौफ है इसको, देखो बेटे की जो शालू ने उतारा कहने के ऊपर गुस्सा। हाँ बेटा हरकतें तेरी छितने वाली है, शुक्र कर भाभी कंबल में बैठी हुई है। हाँ मजाक तेरा बेटे, तेरा न्यू ईयर का चैप्टर नया बनने वाला है, किताब छपेगी। कोई बात मत, ना रखे बीवी तो मेरे घर आएगा। ऐसे अपनी भाभी से वादा ले। शालू इसका बैग रेडी कर दियो कल तक बेटा। हाँ जी करूंगी। और न्यू ईयर, और न्यू ईयर तो बहुत दूर है, इसे कल से धक्का ही धक्का मार के से बाहर निकाल दियो। पूरे बेड पे अकेले कब्जा करूंगी। ऐसा ही होगा, देख लियो। 50 रुपए देके अंदर आ जाएगा। रिश्वत दे, पकड़े जाओ रिश्वत देके, छूट जाओ। तो गाइस इनसे पागलों से कोई नहीं जीत सकता, इन मेंटलों से कोई नहीं जीत सकता, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शालू शालू वो वहाँ पे ना मेडल रखा हुआ, लगी हुई इसके गले में डाल दू, जरा इसको अवार्ड मिलेगा बेस्ट हबी का। बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, बेस्ट गंडा इन द जू। छोटे हबी को ना, छोटे हबी को, छोटा हबी क्योंकि इसको बेलन का डर है ना, ये देखो आंखें दिखा रही है बैठी हुई इधर टेढ़ी टेढ़ी, देख रही है अपने पति को। देखा इसलिए मना करते हैं ये कि अर्चना भाभी के यहाँ पे नहीं जाना। बिना आज जैसे तुमने रसोई में ड्रामे करे ना, अब से ना मैं भी फोन लेके खड़ा करूँ। बस नहीं तू तू मुझे क्लिप्स बना के दिया कर, मैं अपने व्लॉग में ऐड करूंगी इसकी हरकतें। नहीं मैं हे राम, ध्यान से देखो इस आदमी को। अगर गलती से मेरी आंख खुल गई तो उनके पेट में दर्द हो जाता, मुझे वॉशरूम जाना है फोन लेके। कमीना। देखा इसलिए मना करते हैं ये कि अर्चना भाभी के यहाँ पे नहीं जाना। बस नहीं तू तू मुझे क्लिप्स बना के दिया कर, मैं अपने व्लॉग में ऐड करूंगी इसकी हरकतें। नहीं तो गाइस इनसे पागलों से कोई नहीं जीत सकता, इन मेंटलों से कोई नहीं जीत सकता, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।